So let's start it. My name is Rahul. I am from Jaipur, and I will be the coach for the CFP education. I'm teaching CFP from last 8 years. Earlier, I was with Aditya Birla Capital. I was heading half of the Rajasthan for the company. 2007 to 2012, I was with Birla Sun Life Mutual Fund, if you heard about it. And then after 2012, from let's say almost 9 years, I am in the field of trainings. So I started this journey in 2012, teaching CFP to the financial advisors, because I was into the field where I used to meet financial advisors for selling mutual funds. And from there on, I basically identified the need of some education for the people who are basically into financial planning. So, aage chalte hain aur dekhiye main aapko batata hu ki chartered apna CFP ki need kyun hai. Matlab अगर आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस हैं, उसमें अलग अलग चीज के लिए अलग अलग आदमी काम कर रहा है. इफ यू टॉक अबाउट टैक्स, देयर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इफ यू टॉक अबाउट एस्टेट प्लानिंग, द लॉयर. देयर इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एडवाइजर है. म्यूचुअल फंड के लिए म्यूचुअल फंड एडवाइजर है. और मॉर्टगेज के लिए बैंकर है. अब आदमी को इन द इंडस्ट्री, इफ ही वॉन्ट्स टू हैव एनी ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, ही हैज टू गो टू डिफरेंट पीपल, राइट? But there is not a single person who can actually take care of all the financial needs of someone, and there what this course comes into the picture. So that's why we say jack of all trades, CFP, because iska content aap dekhoge to ye sab kuch cover hota hai iske content mein, right? You have an estate planning module, you have an insurance module, you have an investment planning module, you have a taxation module, you have everything in this course. देखिए, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सीएफपी इन इंडिया. वी एज अ कंट्री हैज अ लार्जेस्ट हाउसहोल्ड सेविंग्स इन द ग्लोब. आई डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट, बिकॉज एज अ कंट्री हम दुनिया में सबसे ज्यादा सेविंग करते हैं, राइट? उसके बावजूद भी अगर आप ये फिगर देखें, इंडिया हैज ओनली 1513, यानी सिर्फ 1513 सीएफपी इंडिया में प्रैक्टिसिंग है. एंड दैट इज वेरी 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 लेस फिगर. ये इतना कम फिगर है जिसका कोई, as per our country, it's a very very less figure, right? ये बहुत ही कम फिगर है. हमसे बहुत छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं, वो काफी ज्यादा उनके पास CFPs हैं. अब जुलाई 2020 से इंडिया में CFP कम्प्लीटली चेंज हो गया. कम्प्लीटली चेंज का मतलब यह है कि इंडिया में जब पहले CFP रन होता था तो इंडियन कंटेंट ज्यादा था, अब ग्लोबल कंटेंट ज्यादा है. यानी आप कह सकते हैं कि नाउ You will study global plus Indian content. Global content भी है और Indian content भी है. अब आप वो दोनों पढ़ने वाले हैं, right? पहले Indian content पे ज्यादा focus था, लेकिन अब दोनों पे आप कह सकते हैं, कुछ मॉड्यूल में ग्लोबल पे ज्यादा है, कुछ मॉड्यूल में बराबर बराबर का फोकस रखा गया है. जैसे टैक्सेशन मॉड्यूल है, डेफिनेटली टैक्सेशन आपको इंडिया का पढ़ना है, तो इंडियन कंटेंट ज्यादा फोकस्ड है. सबसे पहले इस बात को समझिए, हु कैन डू इट? एनी वन हु इज 12th पास and 18 years old can enroll in this program, right? Anyone, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास हो, साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से, आप 18 साल के हैं, 12th पास हैं, इसमें आप आ सकते हैं. Covers whole sphere of personal finance. So there are three modules: FPSB investment planning specialist, FPSB retirement and tax planning specialist, and FPSB risk and estate planning specialist. ये वो तीन मॉड्यूल हैं जो आपको इंडिविजुअली अलग अलग पास करने होते हैं बिफोर कमिंग टू द फाइनल मॉड्यूल. ये तीनों मॉड्यूल अपने आप में बिल्कुल अलग अलग हैं. इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया से वाकिफ कराता है. इट इज बेसिकली टेल्स यू ऑल द इन्वेस्टमेंट्स रिस्क, ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, देयर इन एंड आउट्स. रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग स्पेशलिस्ट मॉड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन, हाउ टू प्लान समवन्स रिटायरमेंट, कैलकुलेशंस हैं, कैसे रिटायरमेंट प्लान होता है, रिटायरमेंट कितना होना चाहिए, अलग अलग कैलकुलेशंस पे, एंड इंडिविजुअल टैक्सेशन. रिस्क एंड एस्टेट प्लानिंग स्पेशलिस्ट मॉड्यूल, जिससे मैं शुरुआत करूंगा. रिस्क का मतलब है इंश्योरेंस, एंड एस्टेट प्लानिंग का मतलब होता है कि हाउ टू प्लान समवन्स मनी डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर हिज डेथ. तो बहुत क्वाइट वाइड, इंडिया में तो एस्टेट प्लानिंग लॉयर्स को ही नहीं आती है बड़े बड़े, राइट? और बहुत स्कोप है अगर सिर्फ एस्टेट प्लानिंग भी आदमी एज ए बिजनेस करता है तो. अगर फॉरेन की बात करें, द
एस्टेट प्लानिंग, एस्टेट प्लानर्स के अपने ऑफिसेज होते हैं इंडिविजुअली, लेकिन इंडिया में एस्टेट प्लानिंग को लेकर बहुत ही कम नॉलेज इंडिविजुअल्स में भी है, और डेफिनेटली द पीपल हु आर डीलिंग इनटू इट दे आल्सो हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ नॉलेज. सो आई कैन से एस्टेट प्लानिंग इंडिविजुअली इट्स अ फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री बिकॉज पीपल आर वेरी वेरी लेस क्वालिफाइड पर्टिकुलरली इन दिस फील्ड. तो ये तीन ट्रैक एग्जाम करने के बाद आपको एक फाइनल एग्जाम देना होता है जिसे आप कहते हैं कैपस्टोन मॉड्यूल, जिसकी अभी और आगे मैं जानकारी दूंगा आपको. कैपस्टोन मॉड्यूल आफ्टर डूइंग दीज थ्री, इन तीनों को आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, 3-2-1, 1-2-3, 2-1-3, लेकिन चौथे पे आने से पहले यू हैव टू क्लियर ऑल दीज थ्री पेपर्स. आगे चलते हैं. देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, मैंने अभी तक सिर्फ पहले तीन की बात करी है, तो पहले तीन का एग्जामिनेशन पैटर्न आपको बता देता हूं. 2 घंटे का एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 75 क्वेश्चंस आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं. नेगेटिव मार्किंग सीएफपी के किसी भी एग्जाम में नहीं है. ये तीन मॉड्यूल है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट एंड टैक्स एंड रिस्क एंड एस्टेट प्लानिंग. इंडिविजुअली अपने अपने कंटेंट बिल्कुल डिफर करते हैं. एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है जो इन तीनों में कॉमन है, जो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा. देखिए जो चौथा एग्जाम जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था उसे फाइनेंशियल प्लानिंग कैपस्टोन कोर्स कहते हैं. आपने अगर ध्यान दिया हो तो पहले तीन एग्जाम 2-2 घंटे के थे, लेकिन ये 3 आवर्स एग्जाम है और इसके नीचे लिखा हुआ है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. एज ए स्टूडेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन एमसीक्यू एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. व्हेन आई से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इट मींस दैट दिस एग्जाम इज सर्टेनली गोइंग टू हैव केस स्टडी. यानी आपको कुछ क्लाइंट का केस देंगे, आपको क्लाइंट का एसेट लाइबिलिटीज देंगे, क्लाइंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देंगे, एंड आउट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू विल बी आस्क्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. दो दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी द कंपोजिशन ऑफ द ऑल थ्री एग्जाम यू हैव डन और ऑल द थ्री स्टडीज यू डन, बट दिस विल बी अ प्रैक्टिकल, इट्स विल बी ए बेसिकली एनालिटिकल एग्जाम जहां पे वो जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल अगर फाइनेंशियल प्लान कंस्ट्रक्ट किसी का करना हो तो वो कैसे आप करोगे. इस एग्जाम से पहले यू हैव टू अंडरगो अ प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड दैट रिपोर्ट यू नीड टू सबमिट टू द एफपीएसबी एंड दैट ट्रेनिंग हैज टू बी टेकन बाय एन ऑथराइज्ड एजुकेशन प्रोवाइडर लाइक अस. यानी इस एग्जाम से पहले आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा जो का रिपोर्ट आपको ईपी को सबमिट करना होगा. तो आप देखिए कितना प्रैक्टिकल कोर्स है, ऐसा नहीं है कि आपने एक एग्जाम पास कर लिया सर्टिफिकेट दीवार पर टांग लिया. आपको ये पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेशन लेने से पहले फाइनेंशियल प्लान कंस्ट्रक्ट कैसे करना है. वो रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे, वो अप्रूव होगी, उसके बाद आप एक्चुअल एग्जाम दे पाएंगे. 3 आवर्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ जनरली सर्टिफिकेशन बाय यूएस दैट दे ट्राई टू यू नो एंश्योर दैट जो नॉलेज आपसे मांगी गई है वो आप में होनी चाहिए. देखिए वेबसाइट में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. द वेबसाइट नेम इज india.fpsb.org. दिस इज द ऑथेंटिक वेबसाइट एंड एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म आर प्रोवाइडेड बाय एनएससी एंड मेटल. अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर ये दो दो चीजें यहाँ क्यों लिखी हुई हैं. आई विल टेल यू, बिफोर कोरोना एनएससी वाज द प्लेटफॉर्म इन व्हिच स्टूडेंट वर गिविंग द एग्जाम्स, बट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक मेटल प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो बींग यूज वेर इन यू कैन गिव योर एग्जाम सिटिंग एट योर होम्स. बट आई डोंट नो वेदर इट विल बी कंटिन्यू और नॉट वेन वी आर ओवर दिस पेंडेमिक, बट येस मेटल प्लेटफॉर्म अभी यूज करा जा रहा है और जिसका NISM के एग्जाम्स भी मेटल प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं जहां आप घर बैठ के एग्जाम दे सकते हैं. तो ये अभी मेटल प्लेटफॉर्म ही यूज हो रहा है, बट इन फ्यूचर माइट बी दे अगेन कैन कम टू NSE एज एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल. अब समझो कि आपने सर्टिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है. सबसे पहले आपको जितने भी ट्रैक एग्जाम्स हैं वो पास करने पड़ेंगे. उसके बाद आपको एक एथिक्स का एक ट्रेनिंग होगा ऑनलाइन, वो करना पड़ेगा. आपको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होगा और हल्का फुल्का उस ट्रेनिंग के बेसिस पे एक एग्जाम भी देना पड़ेगा. वो सिर्फ वन टाइम करना है. आप किसी भी मॉड्यूल में कर लो, आप पहले मॉड्यूल में कर लोगे तो अगले तीन में नहीं करना. तो आप कभी भी एक बार करना है आपको, वन टाइम, राइट. उसके बाद आपको फाइनेंशियल प्लान असेसमेंट होगा आपका, जो मैंने बोला है आपको. फिर आपको एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होगी. तो जो लोग एक्सपीरियंस हैं, अभी थोड़ी क्लैरिटी इस पे आना बाकी है, लेकिन मैं फिर भी मोटा मोटी बता देता हूं कि 3 साल, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होगा मिनिमम फॉर द सर्टिफिकेशन. यानी सीएफपी तो आप हो जाओगे,
लेकिन आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी आप अपने सीवी में लिख सकते हो कि यू आर ए सीएफपी, राइट, यू विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, यू विल बी एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बट बोर्ड विल गिव यू द सर्टिफिकेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, राइट। और इस तरह से आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हो, एंड सर्टिफिकेट का एक एनुअल सर्टिफिकेशन फीस भी होगा। सो गाइस, एनी क्वेश्चन टिल नाउ बिफोर आई गो, बिफोर आई मूव अहेड, एनीवन? सर ये मैंने सुना नहीं, आपने क्या 3 इयर्स का क्या कहा था? अभी मेरा एक कॉल आ गई थी, इस वजह से मैं आपका सुन नहीं पाया कि 3 इयर्स का कोर्स आपने क्या कहा। कौन बोल रहा है? सर मैं अभय बोल रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा आफ्टर पासिंग ऑल द एग्जाम्स फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेशन। तो द पीपल हु आर नॉट हैविंग 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, दे विल बी एबल टू गेट सर्टिफिकेट आफ्टर 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ओके, दे कैन पुट सीएफपी ऑन देयर यू नो रेज्यूमे, सीएफपी के बेसिस पे जॉब लगेगा, सीएफपी के बेसिस पे काम करो। सीएफए में भी ऐसा ही होता है, एफआरएम में भी ऐसा ही होता है कि आप एग्जाम पास कर लो लेकिन वर्क एक्सपीरियंस के बाद ही आपको वो सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है? Sir, this is Adarsh. I have one doubt. Yes. Sir, does this 3 years start counting once you have completed all the 3 papers, or? No. It counts even even before the starting of your course also. Let's say if you are starting today and you have done 3 years of work somewhere else, somewhere into financial service industry, it will count, no problem. Okay. It will, it can be a before enrolling in the program, it can be a during enrolling the program, it can be after enrolling the program, there is no problem. After completion of the program, kabhi kabhi experience ho sab count hoga. Sure sir, thank you. Anyone else guys, koi bhi question ho you can ask. Hello sir, jitna puchoge utna clarity aayegi. Haan bolo sir. Balkrishan this side. Haan Balkrishan. Sir aapne capstone paper se pehle jo training ki baat kari hai, उसका क्या ड्यूरेशन रहेगा? बोर्ड को भी वो फाइनल करना है क्योंकि अभी तीसरा मॉड्यूल चल रहा है, तो आई थिंक इट विल बी अराउंड 30 आवर्स ट्रेनिंग। ओके सर, एक्सक्यूज मी सर, रिया जैन दिस साइड। या रिया। सर ये जो 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है उसके लिए जो फ्रेशर्स होंगे उसके जो इंस्टीट्यूट है वो जॉब रेकमेंड करता है, आपको लगवाता है, या फिर आप खुद जाके अप्लाई करते हैं? सी डिपेंड्स, सी एज आगे तुम लोगों को जब बताऊंगा कि व्हाट वी आर डूइंग अपार्ट फ्रॉम सीएफपी, हाउ मच इंडस्ट्री नेटवर्क वी हैव, सो व्हाटएवर द इंडस्ट्री नेटवर्क एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, बिकॉज़ मेरे बहुत सारे बच्चे जयपुर में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। इनफैक्ट वो बच्चे भी काम कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन की भी जिनकी कंप्लीट नहीं हुई। आई कैन गिव यू 10-15 names whom you can talk over phone and what they are doing. जो वो काम कर रहा है second year का बच्चा CFP करने के बाद उतनी salary उसको मिल रही है जितने के MBA को मिल रही है. Because this is certification which has practical knowledge and people are not into this, right? तो हम अपनी तरफ से तो आपकी मदद करेंगे ही, लेकिन definitely you have to identify a right job. आपके लिए तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा. हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन ये it will be a mutual effort. सर आईमैंड की जो सीएफपी बॉडी है वो जो फ्रेश वो आपको बताती है कि आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? सीएफपी की वेबसाइट पे आपको दे हैव अ लिंक वेयर इन दे हैव यू नो रिक्रूटमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, वो एक उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, वहां से आप डेफिनेटली यू कैन गो देयर एंड जो भी वहां पे जो ओपनिंग्स हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो बोर्ड अपनी तरफ से कोशिश करता है। All right, sir. Thank you. Board also tries. We also try as an institution because you are with us, and you have to try for yourself. That is very, very important. Sir, एक question था मेरा. Earlier मैंने सुना था कि एक challenger module होता है इसमें, जिसमें कि आप एक बार में ही exam दो और उसमें pass हो गए तो फिर आप certification के लिए मतलब. कौन बोल रहे हैं? मैं अभय बोल रहा हूँ sir. अच्छा अभय. वो ICICI Securities right? नहीं, Kotak Mutual Fund. कोटक म्यूचुअल। अच्छा, अबे अभी देयर इज नो एग्जेम्पशन अवेलेबल इन एनी ऑफ द सर्टिफिकेशन बाय एफपीएसबी, बिकॉज़ बोर्ड को लगता है कि एटलीस्ट दिस मच ऑफ नॉलेज और दिस मच ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टडी वन शुड डू। सो अबे आप कोई भी ऐसा एग्जेम्पशन किसी के पास के लिए भी नहीं है,
कि उसको एक एग्जाम में नहीं बैठना है या दो में नहीं बैठना है. एवरी वन रिगार्डलेस ऑफ द एक्सपीरियंस ही हैज, ही हैज टू गिव द ऑल फोर पेपर्स, राइट? राइट. और बोलो भाई, चलें आगे. हाय सुमित दिस साइड. हाँ सुमित बताओ. So we have to clear three exams before the final, right? Right. And how much is the duration for each exam? So how many hours do we? Duration, see, जो हमारी स्पीड है वो तकरीबन तकरीबन 2 से 2.5 महीने की रहेगी for each paper. तो आप ये मान के चलिए कि कंप्लीट में आपको 10 से 12 महीने, 10 मिनिमम है और 12 मिनिमम, क्योंकि आपको पेपर भी देना है. फिर कभी कभी मान लीजिए 2.5 महीने से ज्यादा, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने, कभी कभी मान लीजिए टेक्स्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो 12 महीने आप पकड़ के चले कम से कम फॉर द एंटायर सर्टिफिकेशन. एग्जाम्स आर कंडक्टेड एवरी मंथ, 5 डेज विंडो विल ओपन. अभी तो मेटल पे चल रहा है तो उन्होंने 5 दिन ओपन करेंगे विंडो को, उस पर आप कोई भी एक डेट चुन के अपना एग्जाम दे सकते हो. एनएससी पे तो जब चलता था तो आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके जो भी अवेलेबल सीट्स थी आप एग्जाम दे सकते थे. ओके 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 थैंक यू. तो महीने में 5 दिन विंडो खुलेगी जिसका पहले ही आपके पास मेल आता है. जैसे मान लीजिए अब आपको अगले महीने एग्जाम देना है, यू आर सिटिंग इन लेट्स से जनवरी, तो फरवरी की विंडो कितनी तारीख को होगी वो पहले ही पता चल जाएगी आपको, और फिर आप विंडो में अपना एग्जाम बुक कर सकते हैं. ये तो मेटल प्लेटफॉर्म का जो अभी चल रहा है उसका है. और एनएससी पे तो बहुत सिंपल है, एनसीएफएम की वेबसाइट पे जाओ और देख लो कि कहाँ का अवेलेबिलिटी है अपने शहर में, और सेंटर पे जाके एग्जाम दे जाओ. बोलो भाई. गॉट इट, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन गाइस? चलिए now I'll come to see why this certification one should do, because I am there in the industry from last 15-16 years, and I have seen people in this industry has a dearth, you know, of knowledge. So financial planners ke to bahut important hai, and relevant study hai financial planning ki, aur abhi pioneer hai, there are very less people in this. What you learn, you can apply, your productivity will improve. Organization recognize and rewards. I know so many organizations which endorses CFP as an organization on the basis they take their employees, right? Sumit, you work with HDFC Mutual Fund. You know that in Ajmer, there is a student, there is one of your employee who was asked to do CFP in 6 months for his confirmation by your head of your company. वो 6 महीने के लिए उसे बोला था कि आपको सीएफपी करना है, उसी के बाद हम आपको कंफर्म करेंगे. तो ऐसा इतने बड़े लोग जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का सीईओ, जो कितनी बड़ी बात होगी कि वो अपने एम्प्लॉय कह रहा है कि हम आपको लेते हैं लेकिन विद इन 6 मंथ यू हैव टू पास सीएफपी एग्जाम. सो आई एम गिविंग यू जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल कि पूरी इंडस्ट्री में लोग इसे कितना वैल्यू करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे ही लोग चाहिए. अब मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अपनी कंपनी का दे देता हूँ, हमारा दे देता हूँ आपको. जुलाई 2012 में, जैसे मैंने आपको बताया, वी एस्टेब्लिश्ड, वी डील इनटू सीएफपी ट्रेनिंग्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप इन फाइनेंशियल प्लानिंग. आई एम माइसेल्फ एसोसिएटेड विद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एज अ स्पीकर, आईसीसी म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनएससी एंड लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो व्हिच आई हैव एक्चुअली नॉट नेम्ड इन दिस लिस्ट. एंड सीएफपी डेफिनेटली आई एम टीचिंग फ्रॉम द पीरियड वेयर आई यूज्ड टू टेल द फुल फॉर्म ऑफ सीएफपी आल्सो टू द फाइनेंशियल प्लानर. And thanks to, you know, by the God's grace, now the time has come when people know us for this particular certification. So it's been a journey of 8-9 years, right? I say from one student to alumni, 150 CFPs in India, you can see some of your names who are regional heads of mutual fund companies, DSP, HDFC, Bank of India, AXA Mutual Fund, Tata Mutual Fund. All these people are regional heads of Rajasthan. And fortunate enough, I am that I have taught all these four, and these all four have been my student of CFP, and they have all cleared it, right? It's been a journey of last 10 years, 9 years, and I am dealing in CFP from the last 9 years, so a lot of the students have passed it. I was awarded by Rajasthan Financial Advisors Group
for contributing in CFP education in 2018, right? I am myself associated with a lot of universities and colleges, and I'm telling you, my CFP batch is 50-50%, 50% students, 50% industry. So I take everything from zero. So student doesn't need to worry that, oh, itne aise aise log padh rahe hain hamare saath, hamara kya hoga, ya hum tumko kuch nahi aata hai, aisa nahi. I take absolutely from zero. If you see this 150 list of alumni, you will find 75 people who will be student here, right? 150 log aap dekh rahe hain to usme 75 log aapko student hi milenge, right? So that is passing candidate. So I go to MIT, RMU University, Manipal, Poddar, IILM. So I keep on going these institution as a guest speaker whenever they call me. JCRC University, IRM, so all these are one of the biggest universities and colleges of the city. आज में से कोई जयपुर का होगा तो जरूर जानता होगा. MIT मणिपाल को तो कहीं का भी हो जानेगा ही जानेगा. But JCRC, IRM, these are Jaipur universities. I have been into corporate trainings and workshops, so you can see some of the pictures. I am empanel speaker for LIC. You can say all these people are LIC branch managers whom I do trainings every year in the different locations of the country. I have hosted for more than 500 investor awareness programs for a lot of people. I go to entire country for having these programs, and specifically I do for HDFC Mutual Fund. There is someone from HDFC Mutual Fund is already here, Sumit. So I come to a lot of locations and go and do this, right? So ये कुछ हमारी जर्नी रही है CFP को लेकर, और अब मैं I'll take you through some other things also, कि फीस कितना है और कैसे सब प्रोसेस होता है वो सब मैं बताने वाला हूँ. अभी तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को तो आप मुझसे पूछ सकते. बोलिए भाई. So I was just asking, like, once we get the certificate, so is it any renewal required for it? Yes, certainly yes. Once you get certification, kind of? I think $100 के आसपास आपको हर साल लगता है, आपको हर साल certificate. लेकिन वो आपकी मर्जी है. That all depends on you, whether you want to continue with membership of the board or not. Once a CFP is a CFP. Okay, only the money is required. So is it any like exams or something? No, exam will not be there. वो वहाँ पे वो थोड़ा से आपको CP points, continuous professional development CPD point बोलते हैं, वो लेने पड़ते हैं. तो वो एक मैगजीन आती है, उसके पीछे क्विज आती है, वो आप भर दीजिए. आपने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग वर्कशॉप करी है, या आपने कोई मान लीजिए कोई किसी तरह का फाइनेंशियल प्लान बनाया है किसी का, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको वो पॉइंट मिले. वो दैट इज नॉट ए बिग टास्क, दैट कैन बी एक्युमुलेटेड. अगर आप वो मैगजीन की क्विज भी भर देंगे पीछे की तो भी हो जाएगा. लेकिन बोर्ड ये मानता है कि कंटिन्यूअस पढ़ना है आपको, मतलब कहने का मतलब ये. Okay, okay. आप बीच में रुक नहीं सकते हैं, मतलब आप क्लाइंट्स को दे रहे हैं. मान लिया टैक्सेशन हर साल कुछ ना कुछ बदलता है, हर साल सेबी के कुछ रूल्स नए बदलते हैं, तो फिर आपको भी एज ए फाइनेंशियल प्लानर आपको अपडेट करना चाहिएगा. ये सेबी मानता है, सॉरी बोर्ड मानता है. तो गाइस नाउ आई एम टेकिंग यू थ्रू द फीस अगेन. आई विल म्यूट ऑल ऑफ यू. देखो भाई, सबसे पहले आई एम टेकिंग यू थ्रू द फीस ऑफ FPSB फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स. ऑल प्राइसेस इन डॉलर. रजिस्ट्रेशन फीस इज $165, एंड फ्रॉम द डे यू रजिस्टर विद द बोर्ड योर रजिस्ट्रेशन विल लास्ट फॉर 1 year, 365 days. Apart from registration fees, you need to pay two other fees to the board. One, study material. Another one is examination fees. FPSB board gives you an e-learning portal, which they have prepared themselves to study the entire modules. And they charge for the each module 60, 60, 60. And for the last module, they'll charge $120. So the study material cost will be $300. And please remember, you will be paying these modules as you will be enrolling in the modules. So you don't need to pay this entire amount at one time, because ye aaj lagega, ye 2 mahine baad lagega, phir ye 2 mahine baad lagega, phir ye 2 mahine baad lagega. Jab jab aap enroll karoge tab tab dena hai. Aur aise hi this goes for the examinations. So 61, 61, 61.
ये आपकी एग्जामिनेशन फीस है, $122 है ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैपस्टोन मॉडल की एग्जामिनेशन फीस है। तो ये हो गई 305, ये हो गई 300 और ये हो गई 160, इन तीनों का टोटल है $770। इसके आगे मैंने टेंटेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि ये वैसे 99% ये है, लेकिन फिर भी एज पर द बोर्ड इंफॉर्मेशन अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो 120 होगा या 122 होगा ये उतना ही होगा। As already told you, examination platform is being provided by Metal right now. 5 days in a month, convenience of the choosing slot will be there. $110 will be the renewal fees of the registration. का मतलब ये है, if you are not able to clear your entire study in 1 year, you will have to renew your registration and that will charge $110 to you. Right? तो ये आपको $770 बोर्ड को खर्च करना है, phases में खर्च करना है, which comes around Indian currency में आई थी 50,000 से 55,000 रुपया ये आएगा, आज की तारीख में 55 के आसपास आना चाहिए। Any question on boards fees, please? Any question on boards fees? Any confusion? Okay. So what we as an institution will offer to you, we are giving you online live classes for all the modules starting from risk and estate planning. You will receive the recording of the classes, but I am being very practical. If it is a regular pattern of someone or an individual student that he misses the live classes and second day he says mujhe sir recording hi chahiye, that will create pain for me, right? Because now after having 15-16 years of experience, it is really very 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 hard to say this ki usme bahut dikkat ho jayega agar aapko ye bolega ki main online class lega hi nahi, kyunki main aapko ye aapke fayde ke liye bata raha hu, main teacher hu, main janta hu ki jo bachcha recording mangta hai aur live class mein nahi aata, सिर्फ 10% प्रोबेबिलिटी है कि उस रिकॉर्डिंग को वो देखेगा घर जाके, या उस रिकॉर्डिंग को वो चलाएगा। आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस, सो ऑलवेज टेक योर लाइव क्लासेस वेरी सीरियसली, राइट? सो रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन पैटर्न नहीं होना चाहिए किसी स्टूडेंट का कि हर क्लास मिस कर रहा है और हर क्लास को मिस करने के बाद इज आस्किंग फॉर द रिकॉर्डिंग, दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। वो नजर आ जाता है कि फिर वो सीरियसनेस नहीं है, राइट? वो आपको हार्म करेगी, आपके रिजल्ट को भी और मेरे रिजल्ट को भी। इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल मैं हर अपने टॉपिक का खुद का पीपीटी बनाता हूं, डिस्पाइट योर ई लर्निंग पोर्टल यू विल गेट द स्टडी मटेरियल बाय प्रिपेयर्ड बाय मी इंडिविजुअली। फाइनेंशियल प्लानिंग कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको बोला था, दैट इज मैंडेटरी ट्रेनिंग यू हैव टू टेक एंड मैंडेटरीली बाय एन ईपी, यानी आज की तारीख में आपको एक ईपी के पास आज नहीं तो कल सीएफपी के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यह ट्रेनिंग उससे लेनी है। डाउट एंड प्रिपरेशन सेशंस, यानी एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रिपरेशन सेशंस कराए जाएंगे आपको एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए, और डाउट सेशन जब भी कन्वीनियंटली हमको लगता है कि हमें डाउट सेशन रखना है, तो एज पर द कंसेंसस ऑफ द ग्रुप वी डिसाइड अ डेट एंड वी डू इट। As I already told you, duration of the study will be 10 to 12 months. $50. अब आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि कैसे रह जाएगी? We as a authorized education provider gets discount coupons from the board as we pay a hefty fees for the annual enrollment with the board as an education provider. So I would provide the students these coupons, और इन कूपन को यूज करने के बाद ये सारे मॉड्यूल्स की फीस आपकी आधी हो जाएगी। आप इनको जोड़ लो, ये $150 आएगा। अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये $150 आएगा, यानी आप $60 दिखाओगे, आप वो कूपन डालोगे, आपकी फीस आधी हो जाएगी। तो $150 आपके हम बचाएंगे, तो ये बेसिकली 12,000 रुपए इंडियन करेंसी में आप सेव कर लोगे।
12,000 रुपीज, राइट? तो 44,500 आपने हमको दिए और हमने आपको 12,000 रुपए की सेविंग करा दी, तो 32,500 रुपीज आपकी नेट फीस हुई। बोलो भाई, तो आपकी ये फीस 770 से घटकर 150 प्लस 305, यानी ये रह जाएगी सिर्फ, अच्छा ये डॉलर लग गया गलती से, 620 डॉलर फीस रह जाएगी 770 की। बोलिए। The study material is the soft study material, right? Not the hard material. No hard material. Okay. वो फिर आपको प्रिंट निकालना हो तो निकाल सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी कोई, वो आजकल सब ऑनलाइन में फिर ये मजबूरी ऐसे चलेगा। ओके। बोर्ड का भी ई-लर्निंग है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है बोर्ड के मटेरियल को, लेकिन ये है कि आप कॉपी कर सकते हो, आप उसको लाके कॉपी करके आप अपना उस तरीके से भी यूज कर सकते हो। और बोलिए, एनी क्वेश्चन ऑन बोर्ड फीस? आर यू डन? सुजीत जी, अब है एनी क्वेश्चन? आदर्श, हाँ सुजीत जी साइड, सर कोई क्वेश्चन नहीं है फीस में, तो क्या क्वेश्चन होगा, बोर्ड जो पैसे लेगा वो आपके सामने है। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ और फिर हम आगे चलेंगे और थोड़ा और बढ़के से करेंगे। तो भाई, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। जब भी रजिस्ट्रेशन करो स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाओ, स्टूडेंट में लेगेसी में मत जाना। लेगेसी का मतलब है पुराने वाला सिलेबस वाला स्टूडेंट, जो कि 31 मार्च को खत्म हो जाएगा उसका भी, तो यहां आप चले जाना स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट में जब आप जाओगे तो आपके पास यहां पे आपके पास ऑप्शन रहेगा, ये देखो आप। वैसे तो रजिस्टर तो आप यहीं से कर सकते हो, लेकिन नीचे से आप पढ़ सकते हो। वैसे ये बड़ा लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, रजिस्टर नाउ, इस पे चले जाओ। जब आप इस पे जाओगे तो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का तो कोई मतलब नहीं है, इसको आप एक तरह से इग्नोर ही करो, कोई मतलब नहीं है इसका। दो हो गए इंस्ट्रक्टर लेड और सेल्फ बेस्ड, दोनों में अंतर ये है। आप यहाँ कहेंगे जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, यहाँ आप कहेंगे कि मुझे कोई सारथी चाहिए, राइट, समवन हु कैन टीच मी द फाइनेंस। लेट्स सी, यू विल सेलेक्ट इट, राइट। और ये आपका बेसिकली आपसे क्या ले रहा है, देखो $165 तो आपसे रजिस्ट्रेशन के लेगा, ठीक है, और आपसे $60 यहीं पे आपको ये भी सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ेंगे भी तो सही ना। सॉरी, ये टाइम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर लिया, ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का ये अपन ने कर लिया, ठीक है, ये दोनों अपन ने कर लिए। तो ये $60 तो हो गए आपकी पढ़ाई का खर्चा, ई लर्निंग पोर्टल जो मैंने बताया था। अब यहाँ पे जो मैं डिस्काउंट कूपन दूंगा आपको, वो आप डालेंगे, तो जैसे आप चेकआउट करेंगे तो जो इंस्ट्रक्टर लेड का $60 आ रहा है ना आपको, वो $30 रह जाएगा। देखो ये आया ना, क्लिक फेयर टू एंट्री और डिस्काउंट कोड, तो वो जो मैं दूंगा जैसे ही अप्लाई करोगे इस 225 में से $30 अपने आप उड़ जाएंगे, क्योंकि 60 का क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। वो तो आप लोग समझदार हो सब, ठीक है, कैलकुलेशन आपको आती है। अब ये सारा आपने को फॉर्म भरना है, ये सारा फॉर्म भरने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, एक क्रेडिट कार्ड रखना भाई। पेपल अकाउंट किसी का है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट है, यूएस पेमेंट जाएगी तो आपको क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना होगा। ये पूरा फॉर्म भर के, बहुत सिंपल सा फॉर्म भर के आपको ये अप्लाई कर देना है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा और आप उसके बाद एनरोलमेंट आपका प्रॉपर हो गया। एग्जामिनेशन की डेट आज नहीं लेनी है, एग्जामिनेशन की डेट अपन तब लेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये महीने में आपका कोर्स पूरा होने वाला है, इस महीने में अपने को डेट लेनी है। तो इस तरीके से ये फॉर्म है, बड़ा सिंपल फॉर्म है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता होगा। इसमें आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, ये सब मांगा गया है, दैट्स इट। इतना ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कुछ नहीं करना। आपको इसका प्रिंट निकाल के कहीं नहीं भेजना है, आपको डॉक्यूमेंट निकाल के कहीं नहीं भेजने हैं, बस जो है बस ये सिंपल सा यही फॉर्म है, बाकी कुछ भी नहीं है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? एक चीज में बतानी है, यस यस यस, NCFM आईडी मांग रहे हैं क्या, देख लेते हैं।
एक बार एक एक चीज में ध्यान रखना बस फॉर्म भरते वक्त, अगर वो मांग रहे हैं तो बता देता हूँ आपको, ये जो आपके हाँ देखो ये मांग रहे हैं ना एनसीएफएम नंबर, ये जो एनसीएफएम नंबर है स्टार लगा हुआ है ये आपको डेफिनेटली चाहिएगा। और इसको ये कैसे बनाना है, आप गूगल पे जाना और एनसीएफएम लॉगिन डालना। ये जो एनसीएफएम ऑनलाइन का जो वेबसाइट है अभी थोड़ा डाउन होगा कोई बात नहीं, इस पे जाओगे और इस पे जाके फटाफट से अपना एक प्रोफाइल बना लेना। आपको प्रोफाइल बनाने में 5 मिनट ज्यादा नहीं लगेगी, वो आपको 11 डिजिट का आईडी जनरेट करके देगा, 11 डिजिट विच विल स्टार्ट फ्रॉम 0000 ऐसे करके। वो नंबर आपको यहां लिखना, देखो पहले किसी ने डाला हुआ है तो ये 000 जो 4 बार 0 आ रहा है, ठीक। एक तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, एनसीएफएम लॉगिन पे चले जाना, वहां पे बेसिकली आपको आईडी क्रिएट करना है, ठीक है। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म में वो है कि आप ये जब फॉर्म भरेंगे तो आपको एजुकेशन प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है, तो इसमें ये वीआर दिस इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी दैट यू नीड टू सेलेक्ट हियर, वो आप क्योंकि नाम बड़े मिलते जुलते से हैं, इंफिनाइट फाइनेंशियल एकेडमी, इंडियन इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन, सारे नाम बहुत मिलते जुलते से हैं, इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल लिटरेसी, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो एक बार गया तो फिर वो तकलीफ होती है। एक स्टूडेंट ने किया था 10 दिन लगा उसको चेंज करवाने, तो ये सब चीजें आपको भरनी है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ इसमें स्पेसिफिक है नहीं, बहुत नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है जो आप एक फॉर्म में भरते हैं। एनी क्वेश्चन ऑन दिस गाइस? बोलो भाई, anyone if has any question regarding the certification as a whole, now I am done with the part of CFP as an introduction to all of you. कोई भी सवाल आप लोगों के दिमाग में, कैसा भी सवाल, सर क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी? सुजीत बात करें, क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी ऑनलाइन क्लासेस की? क्लासेस की टाइमिंग होगी सैटरडे 7:30 PM एंड संडे 8:30 AM इन द मॉर्निंग। और कितने आवर्स की क्लासेस होंगी? क्लास के आवर्स रहेंगे तकरीबन 2.5 घंटे। संडे सैटरडे 2.5 घंटे, ओके। हाँ, सैटरडे एंड संडे 2.5 घंटे। और क्लासेस की टाइमिंग, जो क्लासेज आपकी प्रिपरेशन टाइमिंग क्लासेज होंगी वो वीकडे में भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे 4 दिन लगातार क्लास देनी है, एग्जाम है, तो फिर वो वीकडे में भी होगा। उस केस में फिर हम रिकॉर्डिंग अवेलेबल भी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कोई बिजी है तो आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज पीपल आर वर्किंग, तो लोग वर्क कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सो इन नॉर्मल कंडीशन यू विल रिसीव द रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास, बट क्योंकि बोर्ड Has a catch, आपको ये मैं बता देता हूँ अंदर की बात है, लेकिन फिर भी कि आप लोगों की क्लास की अटेंड करने की रिपोर्ट भी हमसे मांगी जाती है, तो मुझे आपको अटेंडेंट शो करना पड़ता है कि यस